पता चलेगा फ्यूचर में, पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी क्यों बता रही थी कि मैंने अभी हमारे सासू माँ के ट्रीटमेंट के लिए गई थी। उनके घुटनों में जो दर्द है वेरी पेनफुल है, वहाँ जो मैंने देखा है ट्रीटमेंट बहुत ही दर्द वाला है। वो जो ट्रीटमेंट है वो छोटे छोटे सुया जो है घुटनों में चुभाए थे उनके, उनको कुछ भी नहीं दर्द हुआ, लेकिन मैं देखने नहीं सकी, बहुत ही मुझे पेन हुआ था देखने के लिए, असल देख नहीं सकी, बहुत ही मुश्किल था वो ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर ने भी फ्रेंडली वो वाटर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा लेना चाहिए, एंड बॉडी में भी खून बहुत कम है, जो वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वेजिटेबल्स कम ही खाते हैं मेरी सासू माँ। फिश ज़्यादा पसंद है, फिश करी या चिकन फ्राई खाते हैं, उन्होंने भी उम्र वाले ही है, जो पुराने ज़माने वाले हैं ना बहुत ही मुश्किल है उन लोगों को समझाना। आज का ये फ्यूचर का ये नहीं देखते हैं वो लोग, पहले जैसा ही खाते पीते रहते हैं, उन्होंने हाई बीपी है तो भी कुछ भी खा लेते हैं। मैंने ये बता क्वांटिटी आ गया था वहाँ कि बॉडी में बहुत ही वाटर क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ही वीडियोस में रहते हैं वेट लॉस जर्नी के दौरान बहुत ही पानी पीना चाहिए, 6 लीटर पीना चाहिए, बॉडी को सूट करता है बॉडी को नहीं सूट करता। आपको कितना क्वांटिटी में पीना है वो आपका मर्जी है, आपके बॉडी ऑब्जर्व करने में डिपेंड होता है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पी नहीं सकते हैं हम क्योंकि हमको आदत नहीं है। शुरू में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन आदत होने पे वो आदत सी हो जाएगी लाइफ में। पानी का क्वांटिटी मेरा बात ये है कि आप नोटिस कर लीजिए, मुझे बताने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि मैंने अभी बताने का मन किया मुझे, इसलिए बता रही थी। पानी का तो हमारे लाइफ में कर सकते हो, वेट लॉस के लिए ही नहीं है, हमारे बॉडी के लिए वाटर क्वांटिटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सासू माँ का ट्रीटमेंट देख के मुझे क्लैरिटी आ गया था वहाँ पर। बहुत ही वो ट्रीटमेंट करा लेने के बाद पछताने के बदल अभी से शुरू कर देना बेटर होगा, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो निकाला था। आपको बोर होगा तो सॉरी, एंड हौरिक भी है मेरे साना के लिए कुछ गिफ्ट्स आए हुए हैं, मैं वो एंड वेरी इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, उसके मामा ने भेजा था दुबई से, वो मीन्स मेरे बड़े भाई है, उनके भांजी है ना, जो मैंने ऑलरेडी मेरे ये दिखा तो मैं लास्ट में वो लिंक दे दूँगी, देख लेना ज़रूर से। वो कान छेदने के बाद मामा ने देना चाहिए, ये रसम है इसलिए मामा ने दुबई से भेजा था सोने का। आप वो लास्ट में देख लेना, बोले तो किक नहीं होगा, वो दिखाऊंगी। ओके, देर नहीं करते हैं, वो गिफ्ट्स देखते हैं, चलो। ये है वो सब गिफ्ट्स, छोटे छोटे से, ये छोटा सा बुरखा है सना के लिए, बहुत है ये, थोड़े 1-2 साल जाके तब सेट हो गए। एंड नेक्स्ट ये है फ्रॉक, फुल में देखेंगे, ये है फ्रॉक मेरे फूफू जी ने दिया हुआ है ये फ्रॉक,
ना सूट में उसके कलर को अच्छे से मैच करेगा ये, मुझे बहुत ही पसंद आया, डार्क कलर है ना इसलिए। ये भी हमारे पप्पू जी ने दिया हुआ है फ्रॉक कलर, देखो इसका वेरी ब्राइट कॉफी कलर का मॉडल एंड वन फ्लावर आ गया था मुझे उन मेरे पप्पू जी कलर एंड वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट बता दूंगी आपको, ठीक है। ये है छोटे से झुनझुने पट्टियाँ सना के हैं, छोटे छोटे वेरी क्यूट है, ये मलबार गोल्ड से है, मेरे सासू माँ ने गिफ्ट किया हुआ है ये, वेरी क्यूट। अब तक नहीं निकाला, बहुत ही पसंद आया ये गिफ्ट। एंड नेक्स्ट और एक है, सो वेरी स्पेशल है हमारे लिए, ठीक है। ये और एक है, ये स्पेशल क्योंकि बड़े मामा ने भेजा था दुबई से, वेरी क्यूट है ना, छोटा सा चैन का सेट है ये, दिख रहा है आपको छोटा सा लॉकेट टके छोटे इयर रिंग्स, वेरी क्यूट है ना, सना के लिए भेजा था उसके मामा ने, मामा मीन्स मेरे भाई, दुबई में रहते हैं वो, मलबार गोल्ड में डिज़ाइनर है उस, उन्होंने भेजा था ये सारे गिफ्ट्स बताने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो। ये सब गिफ्ट्स से यही बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई ब्रदर, ठीक है फ्रेंड्स, बाय। मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करो फ्रेंड्स, ओके बाय।